ये मैं लाई हूँ क्योंकि कॉस्टको में सारी चीजें ज्यादा। Hey guys, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉन्ग वीकेंड शुरू हो चुका है। कल हम लोगों ने कुछ ज्यादा, मतलब फ्राइडे था तो कल एक अलग ही खुशी थी कि लॉन्ग वीकेंड शुरू होने का। हम लोगों ने क्या क्या किया आप लोग देख लीजिए। देखिए लॉन्ग वीकेंड की खुशी में तीन पिज्जा बनाए। तीन क्यों बनाए? क्योंकि चार ज्यादा हो जाते दो कम पड़ जाते। नहीं मेरे को तो दो खाने थे। मैं खा लूंगा क्या वैसे भी परोपकारी जीवन। लॉन्ग वीकेंड की खुशी में यहाँ पे ब्रेड के पिज्जे बन रहे हैं। पिज्जे तुम क्या बोलना चाहते हो? आप भागते रहते हो बस। पूरे कटिंग हिज मास्टरपीस। देयर यू गो। वी कैन हैव डेट डेट नाउ आई गेस। ऐसे दो पीस करके तो है ना। आरु आपको पता भी 11 बज गए हैं एंड यू हैव टू स्लीप। ऐसे नहीं बाबा। ए मेरे मेरे ज़हरा जबी। वाह डिलीशियस लग रहे हैं। खा के देखते हैं ठंडे हो जाएंगे फिर। ये देखो यहाँ पे क्या कुछ रॉकेट बन रहा है। रॉकेट सैटेलाइट बनने जा रही है। बॉल के ऊपर एक रबर रख दी उस पर चिमटी लगा रहे और इसको ये बोल दिया पता नहीं क्या बना है। क्या बना रही क्या बन क्या रही है? Why are you so serious? Why so serious बाबा? हाँ बता दो। देखो इसको अभी भी चोट का वो है निशान। अभी हम लोग रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। और अभी एक थोड़ी ऐसी न्यूज पता चली है कि जारू की फेवरेट जगह है हमारे घर के पास वाला पार्क, वो एक एक्सपोजर साइट, मतलब उसको घोषित कर दिया या अनाउंस कर दिया। सो हम लोग वहां पे उसको नहीं लेके जा पाएंगे। हम लोग बस ग्रोसरीज, मतलब नॉर्मल जो जैसे मिल्क एंड ब्रेड ये सब हमारा जो यूज होता है वो लेने जा रहे हैं बाहर। और साथ में आरू को थोड़ा सा ओपन एयर, क्योंकि कल भी हम उसे नहीं लेके गए थे। परसों जब वो था वट सावित्री की पूजा तब मैं उसको लेके गई थी, तो इसलिए आज उसको बाहर तो लेके जाना है ना। तो हम लोग और हमारे घर के पास वाला वुलीज भी बंद हो गया। हमारे घर के पास वाला वुलीज भी वही एक्सपोजर साइट में आ गया। वहां पे भी कोई केस आया होगा। उन लोगों ने टाइमिंग वगैरह के साथ सब कुछ भेज दिया है। तो थैंकफुली हम लोग उस टाइम पे नहीं थे वहां पे जब वो कोविड पॉजिटिव वाला इंसान वहां पे था। चलिए आपको चलते चलते बातें करते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे। फिर मुझे थोड़ा सा एडिटिंग भी करनी है और डालना भी है वीडियो। तो अभी निकलते हैं एंड आरू इज क्वाइट एक्साइटेड टू गो बट विल बी केयरफुल। लाइक अभी इतना पास आ गया तो थोड़ा ज्यादा टेंशन थोड़ा हो गया। ये देखो ये रहा आरू का फेवरेट जगह। सिटी ऑफ मेलबर्न हैज टेम्परली क्लोज्ड 8 जून। इस टाइम पे थी। विल नॉट बी टचिंग दिस। वो देखो वहाँ पे आरू बेचारा। आरू क्या हो गया? हाँ ये पूरा इन लोगों ने इस टाइप से लगा दिया है यहाँ पे। आरू इज वेरी सैड। उसको अंदर जाना है पार्क के। यहाँ पे भागता बेचारा। कोविड-19 आ गया बेटा। कोविड-19 जिसने सबकी लाइफ बर्बाद कर दी है। अभी आरू को कहीं और थोड़ा सा वॉक कराएंगे। झूला तो मुझे लगता नहीं झूला पाएंगे। एक इंसान मास्क ला के घूम रहा है आउटडोर्स में। एटलीस्ट उतने सेंसिबिलिटी या फिर एटलीस्ट डर है लोगों में। ये साइड भी तो आ गई हमारे घर के पास। हम तो वो तो आ ही गई। मुझे तो यही लग रहा है कि पूरे मेलबर्न में आनी भी थी। एक्सपोजर साइट हमारे घर के पास ही आ गई और वो भी आरू का पार्क। बेचारे का बहुत ही खराब लग रहा है उसके लिए। बेचारा खेलता होता। आरू आरू देखो ट्रक। आरू लाइक सीइंग ट्रक्स। वो देखो ट्रक।
हेंस हम लोग घर पहुंच गए और मैंने बाहर ज़्यादा शूट नहीं किया, एक्चुअली कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बाहर और हम लोगों ने फिर इसलिए जल्दी जल्दी शॉपिंग कर ली है क्योंकि केस हमारे घर के पास आ गया तो वी थॉट कि या लिटल यहाँ बाहर रहते हैं थोड़ा टेंशन में कि थोड़ी बहुत चीज़ें भी लेनी थी जिसकी आरू जिद कर रहा था तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी शॉपिंग की। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या लिया बाहर का। तो ये कार ली है, एक ये सुपरमैन की हुडी ली है, सुमन बोलता रहता आजकल बहुत ज़्यादा, और ये दो टॉवल्स ऐसे ही ले लिए हम लोगों ने, बड़े वाले टॉवल्स। आरू की टू पैंट्स लिए हैं नीचे गरम, और आरू के ये सुमन वाले शूज लिए हैं। लाइट भी इसमें ऑन होती है, ये दो दिन पहले बहुत पीछे पड़ गया था कि सुमन शूज़ अभी जाओ शॉपिंग के लिए, तो इसलिए वो अभी लेकर आए। और ये है सम एनिमल प्लैनेट, वाइल्ड लाइफ प्लैनेट है, तो ये इसमें ट्रीज वगैरह है सब कुछ है, तो वो आरू को अच्छा लगेगा, ये सब एनिमल्स उसको पसंद है। बाकी नॉर्मल ग्रॉसरी शॉपिंग जैसे ब्रेड मिल्क ये सब शॉपिंग किया है, बाकी मेनली आरू का शॉपिंग करना था क्योंकि वो दो तीन दिन से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है वो ये सब चीज़ों की मांग कर रहा था और हम लोग क्योंकि ये सारी शॉप्स बंद थी टॉयज वगैरह की तो ला नहीं पा रहे थे। बोलो ये आई एम सो हैप्पी। थैंकफुली आरू ने वॉकिंग के वक्त मतलब शॉपिंग जब हम लोग बाहर गए तो इसने जल्दी से नीनी कर ली थी थ्रू आउट, वो ज़्यादातर सोता रहा तो उसने मांगने की नहीं, तो यहाँ से स्टार्टिंग में तो उसने पार्क पार्क बोला था, बाद में आई थिंक सो गया तो उसने भूल भी गया। हाय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग अभी शॉपिंग कर कर आए हैं। अभी मुझे पता नहीं कि व्लॉग कब डलेगा, बट आई जस्ट केम फ्रॉम शॉपिंग, आई डिडंट शूट इट एनीवेयर। हम लोग कॉस्टको गए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी आरू ने एक चीज़ बहुत बुरी तरीके से रखी है, ये देखो शॉपिंग की सारी चीज़ें ले आए हैं, वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज, बिकॉज लॉकडाउन के बाद अभी खुला है। सो आरू व्हाट इज़ दिस, टेल व्हाट इज़ दिस। सो वी हैव गॉट कैप्सिकम डिफरेंट कलर्स, वी हैव गॉट व्हाट इज़ दिस, टेल दिस इज़ द शुगर विच वी यूज़, ये है रॉ शुगर, ब्राउन सी होती है ये थोड़ी, ये मैं लाई हूँ क्योंकि कॉस्टको में सारी चीज़ें ज़्यादा, जब से उसकी पुलिस कार आई है वो उसके पीछे पागल हो चुका है। और मैं आलू लाई हूँ सिर्फ 5, ये है 5 केजीज़ का आलू है। और मैं लाई हूँ पिज़्ज़ा सॉस, तो ये मैं 3 ही लाई हूँ, तो 3 का पैकेट लाई हूँ, 6 का भी पैकेट था पर मैं 3 का ले आई, 3 भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और हम लाए हैं आरू के लिए 2 चीज़ें, आरू के लिए स्पेशली। हाँ वी टू, ये क्या आई,
ये आरू आजकल खाता है क्या है आरू? ये बादाम है क्या है ये बेटा? चूड़ियां। कोई बात नहीं, बोलो ये क्या है? ये है बादाम, बोलो बादाम। कोई बात नहीं। उससे वो उसने वो पहले पैकेट गिरा था ना, तो उसको लग रहा है वो टूट गया। टूटा नहीं है, चौके छोड़ बूटी वो किसी को दो मामा को। ये बादाम का पैकेट लाई हूँ आरू के लिए। हमारे पास एक सॉल्टेड वाले रखे हैं, तो वो इसको शायद मतलब खा तो लेता है, पर वो थोड़ा उसको पहले बाहर करना, साफ करने की कोशिश करता है, डस्टिंग से करके फिर खाता है। तो मैं इसके लिए प्लेन वाले बादाम ले आई, और हम लोग लाए हैं घी। घी के दो डब्बे लाए हैं, 1 केजी के। ये $29 के मिलते हैं वहाँ पे। और ये तो मैं बेटा दिखा दिया, ये है पिज्ज़ा सॉस, ये है इसमें गार्लिक अनियन और हर्ब्स हैं एंड टोमेटो है। ये ओहो, ये आई थिंक कुछ 5 point something डॉलर का था। बाकी हम बड़े बड़े प्याज हैं, आप प्याज का साइज देखो, एक प्याज दो बार की सब्जी बनेगी इससे, इतना बड़ा प्याज है। और ये जो पोटैटो मिलते हैं, ये ऐसे पोटैटो होते हैं कि मतलब छिलके के साथ एकदम साफ मिलते हैं, छिलके के सहित आप ये इसी सब्जी में डाल सकते हैं। और मैं पनीर लाई हूँ, पनीर कॉस्टको में ही मिलता है एक्चुअली, वुलीज़ वगैरह। आरू का स्वेटर कैसा लग रहा है आप लोग बताना? बहुत दिनों बाद इसने ये स्वेटर डाला है। ये आरू को किसने दिया था? जर्मनी वाली नानी ने दिया था आपको, जब आप छोटे थे बहुत ही। मेरी जो जर्मनी में बुआ जी रहती है, उन्होंने आरू को दिया था जब ये थोड़ा छोटा था। अब तो काफी टाइम हो गया, तभी इतना बड़ा था मतलब स्वेटर। और हम लाए हैं पनीर। ये पनीर $13 का मिलता है 1 केजी, सिर्फ आई थिंक कॉस्टको में ठीक मिलता है। बाकी सब जगह पनीर थोड़ा यहाँ पे महंगा है, क्योंकि वो इंडियन चीज़ बोलते हैं ना इसको। और मैं एग्स लाई हूँ, एग्स जो कि ऑल्सो आरू ने अभी गिराने की कोशिश की थी। गिराने तो नहीं, एकदम से उसने झटके से ऐसे रख दिया था ज़मीन पर। एल्स एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू से? बता रहे कि बेटू ने ये सब चीजें की है। कॉस्टको में इतनी ज्यादा भीड़ थी, लाइन इतनी दूर तक लगी थी, जैसे जैसे मैं लाइन पे पहुंची, उसके बाद मेरे वाईफाई के साथ प्रॉब्लम थी, तो फिर मैंने वहां पे रजिस्टर किया लिख के, और अंदर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। जल्दी जल्दी शॉपिंग करी, मैं और आरू ही गए थे। फिर खाने के काउंटर पे देखा, सोचा पिज्जा स्लाइस ले लूं, घर पे आके खाएंगे, तो पिज्जा स्लाइस भी नहीं मिली। और आने के वक्त जो जो हुआ है वो तो खैर मैं बता ही नहीं सकती। आरू भाई साहब ने इतनी वॉकिंग कर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग कुछ खाने वाने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखो पैर पर। कर लो आरू कुछ काम। ये देखो आरू प्लीज। भाइयों बहनों, अभी बनने जा रहा है दाल बाटी विद दाल। तो दाल बन चुकी है और बाटियां भी रखी जाएंगी अवन में। वैसे जो बाटियां हैं वो आग में जला के बनाते हैं, पर हम बनाएंगे इस ट्रे में। उसके लिए अवन को हम लोग कर देते हैं प्री हीट पे, लगा देते हैं। यहाँ पे बाटी का जो आटा वो रेडी हो रहा है, उसमें थोड़ा घी भी डाला है। छोटी छोटी बनाता हूँ ताकि, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तो पता नहीं कैसी बनेगी। तो छोटी बनाएंगे तो शायद कच्ची ना रह जाए अंदर से। घर हमारा बुरी तरीके से फैल चुका है, और वहाँ पे चल रहा है जेठालाल। काफ़ी दिनों बाद शुरू हुआ है हमारे घर में जेठालाल, नहीं तो नेटफ्लिक्स और सीरीज चलते रहते थे। अवन में रख दिए गए हैं, और हम लोगों ने आज बिना ट्रे के डायरेक्टली रख दिया, ताकि नीचे से भी वो बन जाए, और उसमें थोड़ा छेद भी कर दिया ताकि वो कच्चे ना रह जाए, क्योंकि वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो हम लोगों ने ऐसे रखे हैं, होपफुली फिंगर क्रॉस्ड मस्त बनेंगे एकदम क्रिस्पी। अब ओवन ऑन किया ये, तो गार्लिक ब्रेड भी जो मैं आज लाई थी वो निकाल दी गई है। चाकू देख रहा था बड़ा, इससे वाला बड़ा वाला चाकू कहाँ? इससे ही बड़ा चाकू। एक्चुअली ये जो बटर पेपर है ना, इसके साथ ही लग जाता है ये।
मैंने उसके साथ ही कट कर लिया। ऊपर तो क्या पॉलिथीन है, वो उतर जाएगी। अच्छा अंदर है बटर पेपर। वेजेस भी डालने क्या? नहीं वो तो हम लोग भी पार्टी कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को तो बताना ही भूल गई कि यू नो हम लोगों को कल किस लिए छुट्टी मिली है। ये लॉन्ग वीकेंड क्यों एक लॉन्ग वीकेंड है? क्योंकि कल एक बर्थडे है। हम लोग भी बना लेते हैं वो बर्थडे। कल क्वीन का बर्थडे है। लॉन्ग लिव द क्वीन। क्वीन का बर्थडे है। ये लोग जो हैं काफ़ी धुआं आ रहा है यहाँ से। तो कल एक्चुअली जो इंग्लैंड की क्वीन है उनका बर्थडे है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा उनके उनके काफ़ी मतलब सारी चीज़ें ये लोग फॉलो करते हैं जो भी वहाँ पे होता है इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने ये बसाया था। सो ये क्वीन का बर्थडे मनाते हैं। आई थिंक कैनेडा भी मनाता है और न्यूजीलैंड भी मनाता है। कैनेडा तो फॉर श्योर बनाता है, न्यूजीलैंड भी मनाता ही होगा क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी सेम ही है। और यहाँ पे शायद विनय ने आप लोगों को बताया भी है कि इन तीनों देशों में प्रेसिडेंट नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि क्वीन हेड है इन तीनों देशों की। अभी भी लॉन्ग लिव क्वीन है। हम लोगों को छुट्टी मिल गया, हमें क्या चाहिए? हमारे लिए तो बढ़िया है, जुग जुग जिए। बहुत जिए भी है वो। आई थिंक शी इज़ लाइक 90s, आई डोंट नो। इसलिए हम लोग भी पार्टी कर रहे हैं। आरु अब बोलो पार्टी कर रहे पार्टी हो रही है। आपकी तो क्रिसमस हो रही है ऐसा लग रहा है बेटा। आपकी तो ऐसा लग रहा है क्रिसमस हो रही है। आपने क्रिसमस वाला स्वेटर पहना आज। क्रिसमस हो रही है। क्या है आपके इसमें स्वेटर में? क्रिसमस इन कब आता है? क्रिसमस इन जुलाई मनाते हैं ना इधर। हाँ बिकॉज यहाँ पे जो एक्सट्रीम ठंड है वो जुलाई में होती है, तो क्रिसमस इन जुलाई मनाते हैं यहाँ पे। एंड आरू हैज सेलिब्रेटेड इट अर्लियर। जो गार्लिक ब्रेड गप कर गया जल्दी जल्दी। और अभी निकल रहे हैं हमारे चोखास। और गेटिंग आउट। चोखा का यहाँ चोखा इज नॉट देयर। लिट्टी इज आउट। पता नहीं एक साथ ही बोला जाता है। होपफुली बहुत ही टेस्टी बनी होंगी। दाल इज रेडी। दिस इज नॉट लिट्टी चोखा, दिस इज दाल बाटी। इसको देखो ब्रेक करते हैं। और ये हमारे सोया के हैं। इसमें घी लगाया जाता है। देन दाल के साथ। ओके सुपर्ब। दाल इज हियर। खाते हैं अब बन गया है। खाते हैं, खा के देखते हैं। फ्रेंड्स अभी लाइव खत्म हुआ है और आप लोग मुझे बताना कि मेरा ये लाइव कैसा लगा आपको। इम्प्रॉम्प्टू मतलब एकदम से मैंने लाइव किया है। हेलो। ये देखो भाई साहब के 12 बजने वाले हैं। ही इज स्टिल अवेक। बाबा बाबा से बात तो की नहीं हमने। बाबा तब बात कर रहे थे। बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? बाबा आपको दिखे क्या? बाबा हमने अवन को लगा दिया काम पे जैसे ही लाइव खत्म हुआ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसे लाइव और करूं क्या। अभी हम लोग अभी मैं दिखाती हूँ मैंने अवन में क्या रखा था। मैंने तो नहीं, बेले ने बनाई है। ही इज द अवन एक्सपर्ट इन आवर घर। क्योंकि वो यूके में काफी सारे अवन की चीजें बनाते रहते थे। उनको थोड़ा पता है कि अवन में क्या क्या बनाते थे वो। हम ये निकाल देते हैं। ये है पनीर टिक्का आई थिंक, है ना? पनीर टिक्का बना। पनीर टिक्का बना। क्या बनाया अरु? इट्स वेरी हॉट, यू डोंट टच। ही इज ट्राइंग टू एक्चुअली वो पूरे दिन करता रहता है ये ऑन ऑफ ये सारे घुमाता रहता है। अभी वो दोबारा से ओपन करने की कोशिश कर रहा था अवन का। उसके हाथों में एक बार छाला पड़ा था। इसने ऐसे ही अवन के पास तक नहीं पहुंचा था पर अवन के पास वाली जमीन पे कर दिया था। पता नहीं वो हमारा नीचे वो जो किचन का मार्बल है वो भी गर्म हो गया तो इसके हाथ में छाला पड़ गया था। ये है हमारा पनीर टिक्का। और इसी के साथ हम लॉन्ग वीकेंड को बाय करते हैं हमारे खाने के साथ। पहले कि ये भाई साहब कुछ कर गुजर जाए हमने सारी चीजें अंदर रख दी। ये देखो कुक। क्या कुक कर रहे हो आप? हर चीज को भी करते हो आप?
हर चीज कॉपी करते हो हम। खाके बताना कैसा बना। जल्दी जल्दी बनाया मैंने तो लास्ट मोमेंट पे। पनीर लाए थे, काट के रखा मैंने, कहा एक स्लैब को निकाल के ऐसे बना देता हूँ। घर की क्या हालत की उसने। सारे एनिमल्स देखो, रात के 12 बजे भी भाई सबको जानी है। गाड़ी लेके निकले अभी। इट्स क्वाइट हॉट, क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड एंड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। ऑसम। ऐसे $15 में मिलते हैं इतने सारे मेलबर्न में। इतने कहाँ होते हैं? इतने नहीं होते, चार पांच होते हैं। चार पीसेस बड़े बड़े। दिस इज रियली नाइस। और फ्रेंड्स, आई डोंट नो ये व्लॉग कब से चलता आ रहा है, पर इसी के साथ मैं ये व्लॉग खत्म करती हूँ। आई होप आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे थम्स अप देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। मुझे पता था इसके लिए जरूर आएगा। बाय बाय, टेक केयर।